सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल क्रेजी जीके ट्रिक और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। ऑलमोस्ट हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि ये टॉपिक थोड़ा कन्फ्यूजिंग जरूर है, पर मैं आपको सबसे ईजी वे में इस टॉपिक को समझाऊंगा। ध्यान दें, जितना मैं आपको बताऊंगा आपको उतना ही याद रखना है, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत ज़्यादा है, आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। इस टॉपिक को हम देखिए दोस्तों दो वीडियो में कवर करेंगे। पहले वीडियो में गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सेकेंड वीडियो में हम बात करेंगे सभी वायसराय के बारे में। क्लियर? वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक एडवाइस देता हूँ, आप गवर्नर, गवर्नर जनरल या वायसराय के नाम याद करने पर फोकस मत करिएगा, उनके काम से उनका नाम याद करने की कोशिश करिएगा, ओके? क्योंकि एग्जाम में उनके समय काल में हुई एक्टिविटी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा इजी कर देता हूँ, किन किन गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल या भारत के गवर्नर जनरल पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, मैं आपको नाम बता देता हूँ। रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, कार्नवालिस, वेले जली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, मेटकॉफ, डलोजी और कैनिंग, इन नामों पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है? इनके समय काल में हुई एक्टिविटी आपको अच्छे से समझना है। देखिए फ्रेंड्स, पहली पहली बार अगर आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हो तो थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्ट ज़रूर होगा, पर इस लेक्चर को आप अगर 3 से 4 बार अच्छे से देख लेंगे और क्वेश्चन आंसर टेस्ट की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए टॉपिक बहुत ही ईजी हो जाएगा। देखिए, स्टोरी स्टार्ट होती है 1600 ईस्वी से। अंग्रेजों ने भारत के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी थी। कब करी थी? 1600 ईस्वी में। और उस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह जहांगीर का शासनकाल हुआ करता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार करने के लिए जहांगीर से अनुमति मांगी और जहांगीर ने उनको अनुमति दे दी और अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। आगे चलकर 1757 में ब्रिटिश लोगों ने बंगाल पर आक्रमण किया, जो कि आप सभी को पता ही है, प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है वो युद्ध। इस तरह से अंग्रेजों ने अपना शासन क्या करा? बंगाल पर भी स्थापित कर लिया। ये युद्ध ब्रिटिश सरकार ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा था, इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में संचालन करने हेतु बंगाल का पहला गवर्नर किसको बना दिया? रॉबर्ट क्लाइव को बना दिया। तो भारत में नियुक्त होने वाला बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव बना। वर्ड को ध्यान से समझिएगा, मैंने बोला है बंगाल का पहला गवर्नर, ओके? कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। तो चलिए, डिटेल में स्टडी करने से पहले एक मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि किस तरीके से हम लेक्चर को आगे समझेंगे। 1757 से लेकर 1772 तक ब्रिटिश सरकार का जो सर्वोच्च पद हुआ करता था वो बंगाल के गवर्नर के नाम से जाना जाता था। आगे चलकर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद से ब्रिटिश सरकार का सर्वोच्च पद बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से जाने जाने लगा था 1773 के बाद से। इसके बाद 1833 में चार्टर्ड एक्ट आया, ब्रिटिश सरकार का सर्वोच्च पद जो था बंगाल के गवर्नर जनरल की बजाय भारत के गवर्नर जनरल के नाम से जाने जाने लगा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, फिर आगे चलकर 1858 से इसे बदलकर वायसराय कर दिया गया, और जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ उसके बाद से वायसराय की पदवी को हटा दिया गया और उसके स्थान पर फिर से गवर्नर जनरल के पद को अपनाया गया था, जब तक कि भारत का संविधान लागू हुआ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, इसलिए बताया मैंने आपको कि हम आगे किस तरीके से स्टडी करेंगे, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम सभी जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे समय काल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना था? रॉबर्ट क्लाइव बना था। तो उसी के समय काल से हम स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने अपने शासनकाल के दौरान द्वैत शासन मतलब डायआर्की व्यवस्था को लागू किया था। द्वैत शासन क्या होता है? देखिए, जब किसी भी स्थान पर शासन व्यवस्था जो होती है वो दो शासक के हाथों में हो तो उसे क्या बोलते हैं? डायआर्की व्यवस्था या फिर द्वैत शासन कहा जाता है। भारत इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए, भारत में शासन व्यवस्था दो हाथों में है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। भारत के हित के विषय केंद्र सरकार के पास में, जैसे ट्रांसपोर्ट, करेंसी, ये सारे विषय जो होते हैं वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। स्वास्थ्य, पुलिस, शिक्षा, ये सभी विषय जो है ये राज्य सरकार के अधीन आते हैं। तो भारत में डायआर्की सिस्टम है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने भी इसी सिस्टम को लागू किया था। तो रॉबर्ट क्लाइव के समय काल में प्रशासन जो था वो बंगाल का नवाब चलाता था और भू राजस्व, सैनिक संरक्षण, ये सभी जो थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थे।
आगे चलकर देखिए, रॉबर्ट क्लाइव के बाद में वेरेल्स्ट अगले गवर्नर बने, उसके बाद कर्टियर, और उसके बाद 1772 में वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर बने। तो हमको वॉरेन हेस्टिंग का समयकाल अच्छे से समझना है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ध्यान रखिएगा। इसके समयकाल में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल रख दिया गया। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग जो था वो आखिरी बंगाल का गवर्नर और पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। कौन? वॉरेन हेस्टिंग। रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? देखिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। इसका मेन उद्देश्य ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में कार्य कर रही थी उसके कार्यों को नियंत्रित करना, संसदीय प्रणाली को स्थापित करना और राजनीतिक कार्यों को मान्यता देना, ये रेगुलेटिंग एक्ट का मेन उद्देश्य था। साथ ही इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसकी पहली न्यायाधीश कौन थी? एलिजा इम्पे थी। इसी के समयकाल में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। साथ ही भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन भी इसी के समयकाल में हुआ था, वॉरेन हेस्टिंग के समयकाल में ही हुआ। इन्हीं के शासनकाल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट क्या था? जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, उसकी कमजोरियों को दूर करने के लिए और अंग्रेजों की हितों की रक्षा करने के लिए 1784 में ब्रिटिश संसद ने पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया था। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इंग्लैंड में एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। वॉरेन हेस्टिंग को पिट्स इंडिया एक्ट जो था बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, जिसके विरोध में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और इंग्लैंड चले गए थे। वहां जाने पर उन पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने महाभियोग चलाया, पर कुछ समय बाद ब्रिटिश संसद ने उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया था। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया गया था ये वाला पॉइंट। आगे चलकर देखिए, अगले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस बने। इनका भी समयकाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलिए हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करते हैं तो भारत में सिविल सेवा और पुलिस का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। इसने अपने समयकाल में तीन प्रमुख काम करे थे, चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला आता है सिविल सेवा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही सिविल सेवा की नींव रखी थी, इसीलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। सिविल सेवा के अधीन उच्च पदों की नियुक्ति कौन करता था? कंपनी के कानून के द्वारा की जाती थी। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, सिविल सेवा के अधीन उच्च पदों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत जो हुई थी वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा लॉर्ड डलहौजी के समयकाल में हुई थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। और सिविल सेवा के अधीन जितने भी उच्च पद थे उनकी नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत जो करी थी वो किसके समयकाल में हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के समयकाल में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ओके, सेकेंड देखिए चीज, इनके समयकाल में क्या हुआ था प्रमुख काम? पुलिस व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रत्येक जिले में पुलिस थाने की स्थापना की और कुछ पुलिस कर्मियों को भी नियुक्त किया था। और तीसरा प्रमुख काम इसने क्या करा था? स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। इसने 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भूमि कर योजना को लागू किया था, जिसके तहत क्या होता था, जमींदारों को भू राजस्व का 90% भाग कंपनी को देना होता था और 10% भाग जो था भू राजस्व का वो अपने पास रखना होता था। इस योजना को किसने बनाया था? स्थायी बंदोबस्त योजना को सर जॉन शोर ने बनाया था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने समयकाल में टीपू सुल्तान के साथ में श्री रंगपट्टनम की संधि भी की थी। श्री रंगपट्टनम जो जगह है ये मैसूर से 9 किलोमीटर दूर कावेरी नदी के टापू पर स्थित है। कॉर्नवालिस ने इस किले की क्या करी थी? घेराबंदी करवाई थी। उस समय पर इस किले पर राज कौन करता था? हैदर अली और उसका पुत्र टीपू सुल्तान इस पर राज किया करते थे, शासन किया करते थे। 1792 में इस घेराबंदी का अंत जो हुआ था वो अंग्रेजों के साथ एक संधि करकर हुआ था। तो संधि जो हुई थी वो टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच में हुई थी, और यही संधि क्या कहलाई थी? श्री रंगपट्टनम की संधि कहलाई थी। तो ध्यान रखिएगा, श्री रंगपट्टनम की संधि जो थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समयकाल में हुई थी। इसी के साथ में तीसरा जो एंग्लो मैसूर युद्ध था वो समाप्त हुआ था। अब ये एंग्लो मैसूर युद्ध क्या है ये मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद में देखिए अगला गवर्नर जनरल कौन बना था? सर जॉन शोर बने थे। 1793 से लेकर 98 तक इनका समयकाल चला। इनके समयकाल में सिर्फ एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है, खारदा का युद्ध हुआ था।
ठीक है। और एक खारदा का युद्ध जो हुआ था ये मराठों और निजाम के बीच में हुआ था। इसको याद रखने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए खारदा में देखिए वर्ड जो आ रहा है स्टार्टिंग का खर खर, ठीक है, और खर खर की आवाज़ जो होती है उससे क्या होता है, शोर होता है हमेशा, तो उससे आप इसको इजीली याद रख सकते हैं, ठीक है। तो खारदा का युद्ध जब भी आएगा तो खर खर साउंड आपको वहां पर दिमाग में आएगा, और खर खर से क्या होता है, शोर होता है। तो सर जॉन शोर के समय काल में खारदा का युद्ध हुआ था मराठों और निजाम के बीच में। इसके बाद में बंगाल के अगले गवर्नर जनरल कौन बने थे, लॉर्ड वेलेजली बने। इनका समयकाल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। देखिए लॉर्ड वेलेजली के समयकाल की बात करते हैं तो इसे बंगाल के शेर के नाम से जाना जाता था। इनके समयकाल में जो प्रमुख घटनाएं हुई वो कौन कौन सी थी, सायक संधि प्रणाली, बसिन की संधि, चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध, और इन्होंने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था। तो ये चार प्रमुख घटनाएं थी, एक एक करके चलिए सबको हम अच्छे से समझते हैं। लॉर्ड वेलेजली ने भारत में फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने हेतु सायक संधि प्रणाली की शुरुआत करी थी। अगर बात करते हैं कि भारत में सबसे पहले सायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसने करी थी, तो वो किसने करी थी, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने करी थी। इस प्रणाली का उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश राज्य का विस्तार करना। इस प्रणाली के तहत दूसरे राज्यों से संधि कर उन्हें ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाता था। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हैदराबाद के शासक ने इस संधि को स्वीकार किया था। किस शासक ने, हैदराबाद के शासक ने। आगे देखिए सेकेंड इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या हुई थी, बसिन की संधि हुई थी। बसिन की संधि अंग्रेजों और मराठा पेशवा बाजीराव के बीच में हुई थी। तो बसिन की संधि का संबंध भी किससे है, लॉर्ड वेलेजली के समयकाल से है। आगे देखिए चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था 1799 में, वो भी इसी के समयकाल में हुआ था, लॉर्ड वेलेजली के समयकाल में ही हुआ था। अंग्रेजों और हैदर अली तथा उसके पुत्र टीपू सुल्तान के बीच में समय समय पर युद्ध लड़े गए थे, जिन्हें एंग्लो मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। 32 वर्षों के बीच में 1767 से 1799 के बीच में चार युद्ध लड़े गए थे। हमको देखिए जिसको ध्यान रखना है वो है चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध, जो कि हुआ था लॉर्ड वेलेजली के समयकाल में, और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान जो था वो मारा गया था, इसीलिए हमको इसको ध्यान रखना है। चौथी प्रमुख एक्टिविटी क्या हुई थी इसके समयकाल में, कि इसने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये अच्छे से हमने लॉर्ड वेलेजली का समयकाल डिस्कस करा। इसके बाद देखिए अगला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना, लॉर्ड कॉर्नवालिस बना। फिर से बना था ये 1805 में, पर जल्दी इनकी क्या हुई, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद सर जॉर्ज वालो अगले बंगाल के गवर्नर जनरल बने। उनके समयकाल की देखिए एक प्रमुख घटना आप ध्यान रखिएगा, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह जो हुआ था वो सर जॉर्ज वालो के समयकाल में ही हुआ था। इसके बाद में अगले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बने, लॉर्ड मिंटो। इनके शासनकाल की एक ही प्रमुख घटना है अमृतसर की संधि, बस ध्यान रखिएगा आप, ज़्यादा आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। लॉर्ड मिंटो के बाद में देखिए आगे चलकर बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बने, लॉर्ड हेस्टिंग बने। इनका समयकाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके समयकाल के दौरान ही मद्रास के जो तत्कालीन गवर्नर थे थॉमस मुंड्रो, उन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। तो वहां से एसएससी में 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हमको उसको अच्छे से समझना होगा। देखिए जब लॉर्ड हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उसी समय पर मद्रास के तत्कालीन गवर्नर कौन थे, थॉमस मुंड्रो थे। थॉमस मुंड्रो ने 1820 में मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। इसके बाद में बंबई के गवर्नर ने भी रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी ये हम अच्छे से समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त को शुरू किया था। स्थायी बंदोबस्त में क्या होता था, किसान और सरकार के भूमि कर के बीच में जमींदारों का रोल हुआ करता था। जमींदार बीच में लगान की लूटबाजी करने लगे थे, जिसके कारण सरकार का राजस्व जो था वो नहीं बढ़ पा रहा था। तब ब्रिटिश सरकार ने इसकी कमियों को दूर करने के लिए एक नई योजना बनाई थी, जिसका नाम क्या था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों का रोल खत्म कर दिया गया और किसान को ही सीधे भूमि का मालिकाना हक दे दिया। अब किसानों को लगान सीधे ब्रिटिश सरकार को देना होता था रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत। जो किसान कर नहीं देता था उससे जमीन छीन ली जाती थी। ध्यान रखिएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले मद्रास में लागू हुई थी। मद्रास के किस जगह पर, 12 महल में शुरू हुई थी। इसके बाद देखिए अगले गवर्नर जनरल कौन बने बंगाल के, लॉर्ड एमहर्स्ट बने। इनका समयकाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए फिर अगले गवर्नर जनरल कौन बने बंगाल के, विलियम बेंटिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1828 से लेकर 1835 तक इनका समयकाल चला। इनके समयकाल के दौरान ही 1833 में चार्टर्ड एक्ट आया। चार्टर्ड एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल जो था अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। तो ध्यान रखिएगा विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। अगर हम बात करते हैं कि बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल कौन बना,
तो वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? वो बना था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, अब देखिए इनके समय काल में आपके लिए थोड़ा सा इजी बना देता हूँ, एक ट्रिक से देखिएगा। बेंटिक का नाम जो था वो क्या स्पष्ट कर रहा है? बैन। बैन मतलब किसी चीज पर बैन लगा देना। तो जितनी भी गलत गलत चीजें थी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उन पर सब पर बैन लगा दिया और अच्छी अच्छी चीजों की शुरुआत करी थी। जैसे राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा को समाप्त कर दिया, उस पर बैन लगा दिया। ठगी प्रथा पर बैन लगा दिया, मतलब उसको समाप्त कर दिया। सभी गलत चीजों पर बैन लगा दिया, मतलब बंद कर दिया। इसीलिए इनके समय काल में कोई भी युद्ध नहीं हुआ था। ध्यान रखिएगा, इनका समय काल शांति का समय काल कहलाता है। अगर आपसे एग्जाम में कोई युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले तो ये तो आपको क्लियर हो चुका है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय काल में कोई भी युद्ध नहीं हुआ था। तो अगर ऑप्शन में आता है तो इसको बिल्कुल मत लगाइएगा। अगर अच्छे काम की बात करते हैं तो 1835 में इन्होंने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। अंग्रेजी लैंग्वेज को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। नहरें, सड़कें, तालाब जैसे कई सार्वजनिक सुधार इन्होंने अपने समय काल में किए थे। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक का समय काल आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए अगले भारत के गवर्नर जनरल कौन बने? चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ के समय काल में एक ही प्रमुख घटना हमको दिमाग में रखना है कि इन्होंने अपने समय काल में प्रेस को स्वतंत्रता दिलाई थी। ध्यान रखिएगा, प्रेस को स्वतंत्रता किसने दिलाई थी? चार्ल्स मेटकॉफ ने दिलाई थी। लॉर्ड वेलेजली के टाइम पर प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जो कि चार्ल्स मेटकॉफ ने उस प्रतिबंध को हटा दिया अपने समय काल में। चार्ल्स मेटकॉफ के बाद देखिए भारत के अगले गवर्नर जनरल कौन बने थे? ऑकलैंड, एलेन बरो, हॉर्डिंग्स, ये भारत के अगले गवर्नर जनरल बने। इनका समय काल देखिए ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हमको यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। बस इतना ध्यान रखिएगा, एलेन बरो के समय काल में ही दास प्रथा का अंत हुआ था और रविवार को छुट्टी की शुरुआत भी इन्हीं के समय काल से हुई थी। हॉर्डिंग्स के समय काल में देखिए पहला एंग्लो सिख वॉर हुआ था। ध्यान रखिएगा, पहला एंग्लो सिख वॉर कब हुआ था? लॉर्ड हॉर्डिंग्स के समय काल में हुआ था। इसके बाद में देखिए भारत का अगला गवर्नर जनरल कौन बना? डलहौजी बना, जिनका समय काल चला 1848 से लेकर 1856। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन निकल कर आता है इनके समय काल से। लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं तो इन्हें ही आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है। देखिए कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई इनके समय काल में, चलिए डिस्कस करते हैं। रेलवे का विकास हुआ, पहली रेल डलहौजी के शासनकाल में ही 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच में चली थी। संचार प्रणाली का विकास भी इन्हीं के समय काल में हुआ, पहली संचार सेवा जो थी वो आगरा और कलकत्ता के बीच में शुरू हुई थी। 1854 में देखिए इनके समय काल में ही डाकघर अधिनियम पास हुआ था, जिसके तहत पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन शुरू हुआ था। आगे देखिए, सिविल सेवा के अधीन पदों की नियुक्ति जो होती थी पहले वो कंपनी के कानून के द्वारा होती थी, पर डलहौजी ने इस सिस्टम को चेंज कर दिया और सिविल सेवा के अधीन पदों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत करी थी इन्होंने। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी ने ही प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत करी थी। पहले भारतीय आईएएस की बात करते हैं तो कौन बने थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर बने थे। 1863 में पहले भारतीय आईएएस बने थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। लॉर्ड डलहौजी ने अपने शासनकाल में व्यपगत का सिद्धांत, जिसे बोल सकते हैं हम कि हड़प्प नीति, उसकी शुरुआत करी थी, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति को ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से लागू किया था। इस नीति में देखिए क्या होता था, वे राज्य जिनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, ठीक है, उनसे शासन जो था वो छीनकर ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाता था। हड़प नीति के तहत ब्रिटिश राज्य में विलय होने वाला पहला राज्य जो था वो कौन सा था? सतारा था। ध्यान रखिएगा, सतारा पहला राज्य था जो हड़प नीति, मतलब वेबगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया था। आगे चलकर जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, इन राज्यों को हड़प नीति के तहत ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। तो ये लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल हमने अच्छे से डिस्कस करा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेलवे का विकास, संचार प्रणाली का विकास, डाकघर अधिनियम, सिविल सेवा के अधीन पदों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत करी और हड़प नीति मतलब व्यपगत का सिद्धांत लागू करा था। ये इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट है लॉर्ड डलहौजी के समय काल के। ओके, इसके बाद देखिए लॉर्ड डलहौजी के बाद अगला भारत का गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड कैनिंग बना। इन्हीं के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था और इसी विद्रोह के बाद भारत का शासन जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश सरकार के हाथों में दे दिया गया था और कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया।
ध्यान रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग बना। देखिए फ्रेंड्स, जो वायसराय वाला भाग है ये हम पार्ट टू में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में देखिए पार्ट वन में हमने क्या क्या डिस्कस करा, बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल, इन तीनों सेक्शन को हमने अच्छे से डिस्कस करा है। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब बारी है टेस्ट लगाने की। अच्छे से आपने इस थ्योरी को देखा होगा तो क्वेश्चंस आप बड़ी आसानी से लगा पाएंगे। जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम इस टेस्ट में सॉल्व करते हैं। चलिए टेस्ट की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत में राजस्व एकत्रित करने के लिए स्थायी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? स्थायी बंदोबस्त, स्थायी प्रणाली की शुरुआत किसने करी थी? लॉर्ड कार्नवालिस ने करी थी। बी आंसर। ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास में रैयतबाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? मद्रास में रैयतबाड़ी प्रणाली की शुरुआत किसने करी थी? थॉमस मुनरो ने करी थी। और सबसे पहले रैयतबाड़ी प्रणाली की शुरुआत भी मद्रास में ही हुई थी। ओके, यहाँ पर सी आंसर सही होगा। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग बना था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य हड़प नीति को नहीं अपनाया गया? देखिए फ्रेंड्स, सतारा बिल्कुल हड़प नीति के तहत इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था, उदयपुर, झांसी, इन तीनों को हड़प नीति के थ्रू ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। पर पंजाब को देखिए हड़प नीति के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाया गया था। मैंने आपको बताया था एंग्लो सिख वॉर हुआ था, तो पंजाब को सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बाद में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग बने थे। एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया था? किसने बनाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने ही सिविल सर्विस में उच्च पदों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत करी थी, लॉर्ड डलहौजी ने। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले आईएएस कौन बने थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर बने थे 1863 में। ध्यान रखिएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? किस पर चलाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग पर। वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो पिट्स इंडिया एक्ट के देखिए विरोध करते हुए गवर्नर जनरल के पद से इस्तीफा देकर इंग्लैंड चले गए थे, जहां पर उन पर महाभियोग चलाया गया था। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग यहां पर सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा भारत का पहला वायसराय था? पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग बने थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स या व्यपगत का सिद्धांत निम्न में से किसने आरंभ किया था? किसने शुरुआत करी थी इसकी? लॉर्ड डलहौजी ने इसकी शुरुआत करी थी। भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? किस स्थान से शुरू हुई थी रेल यात्रा? बंबई से। बंबई से ठाणे के बीच में चली थी पहली रेल। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया था? किसे स्थापित किया गया था? नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया था इंग्लैंड में। बी आंसर यहां पर सही होगा। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी, और कब की गई थी? 1774 में। ओके, यहां पर बी आंसर। निम्न में से कौन बंगाल का पहला गवर्नर था? बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना था? रॉबर्ट क्लाइव बना था। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर पहला गवर्नर जनरल नहीं पूछा है ना, पहला गवर्नर पूछा है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में पहले उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में कहां की गई थी? कहां पर की गई थी दोस्तों? कलकत्ता में की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना निम्न में से किस बंगाल के गवर्नर जनरल के समय काल में हुई थी? किस बंगाल के गवर्नर जनरल के समय काल में हुई थी? वॉरेन हेस्टिंग के समय काल में हुई थी। निम्न में से किसे सिविल सेवा का जनक कहा जाता है? सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कार्नवालिस को कहा जाता है। खारदा का युद्ध निम्न में से किसके समय काल में हुआ था? देखिए, खरखर की आवाज मतलब शोर होना, मतलब सर जान शोर। सी आंसर यहां पर सही होगा। रैयतबाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहां पर शुरू हुई थी? रैयतबाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहां पर शुरू हुई थी? मद्रास में शुरू हुई थी। निम्न में से किस भारत के गवर्नर जनरल ने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया था? किसने करा था? देखिए, सती प्रथा पर बैन लगाना, ठीक है,
ठगी प्रथा पर बैन लगाना, मतलब बैन वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर बेंटिक, बेंटिक साउंड आ रहा है ना, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी आंसर यहाँ पर सही होगा। निम्न में से किसने अंग्रेजी को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया, किसने बनाया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, सी आंसर। किस भारत के गवर्नर जनरल ने प्रेस को स्वतंत्रता दिलाई थी, देखिए प्रेस को स्वतंत्रता किसने दिलाई थी, मेटकॉफ ने दिलाई थी, चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस को स्वतंत्रता दिलाई थी। टीपू सुल्तान चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में मारा गया, ये युद्ध किस बंगाल के गवर्नर जनरल के समयकाल में हुआ था, चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध देखिए किसके समयकाल में हुआ था, लॉर्ड वेलेजली के समयकाल में हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यरत थे, कौन कार्यरत थे, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग के समयकाल में ही 1857 का विद्रोह हुआ था। हड़प्प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के तहत ब्रिटिश राज्य में विलय होने वाला पहला राज्य कौन सा था, पहला राज्य कौन सा था, सतारा। निम्न में से किस भारत के गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे और संचार प्रणाली की शुरुआत हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा शुरू सहायक संधि प्रणाली को निम्न में से किस स्थान के शासक ने सबसे पहले स्वीकारा था, किस स्थान के शासक ने, हैदराबाद के शासक ने सबसे पहले सहायक संधि प्रणाली को स्वीकारा था। श्री रंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच में हुई थी, श्री रंगपट्टनम की संधि जो थी वो टीपू सुल्तान और कार्नवालिस के बीच में हुई थी, बी आंसर। निम्न में से किसे आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में, लॉर्ड डलहौजी को, डी आंसर यहाँ पर सही होगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारा ये पहला पार्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपने सारे अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, तो इस वीडियो को अच्छे से 2-3 बार देख लीजिए और टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर लीजिए। टेस्ट लगाने के लिए जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से टेस्ट लगा सकते हैं। साथ ही फेसबुक पेज पे भी आपको टेस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट होता है जिसमें बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल को हमने अच्छे से डिस्कस कराए। इसके पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे भारत के सभी वायसराय को। तो मेहनत करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की जब भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।